कुछ चाहिए सर? थैंक यू सर। यार वो कौन सा वेटर था पहले, उसको बुलाओ यार प्लीज। व्हाट इज दिस यार, क्या है ये? क्या हुआ सर? ऐसे बनाते हैं रोटी? इतनी मिर्च कौन डालता है? सर आपने बोला था स्पाइसी रखना। मैंने बोला था स्पाइसी रखना, बट इट डजंट मीन कि तू मिर्च ही डाल के लाएगा। सिर्फ मिर्च खिलाना चाहता है मुझे। सॉरी सर। वेटर है वेटर बन के रह, जुबान मत लड़ा। पता कौन हूं मैं? और ये जा यार। और फिर रवि कैसा है? गुड गुड। आज फिर कितने बने? वही 250-250। यार रवि मैं सोच रहा था यार, अगर ये लोग टिप देना बंद कर दें, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? ये तो है यार, जितनी हमारी सैलरी है ना, इससे तो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। चल तू निकल। ओके, मिलते हैं कल। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा मेडिसिन। बाय। यार रवि। हाँ यार, घर का गुजारा तो मुश्किल हो गया यार। क्यों, क्या हुआ? यार भाई, इस ऑनलाइन पेमेंट ने लोगों का काम तो आसान कर दिया, पर हमारा जीना मुश्किल हो गया यार। ये तो है यार, कस्टमर की टिप से हमारा घर का गुजारा चलता था, अब तो बस। यार भाई तुम्हें नहीं लगता यार कि बॉस को पता होना चाहिए कि 8,000 सैलरी से कभी घर नहीं चलता, ऊपर से साली इतनी महंगाई। यार ये बड़े लोग हैं, इनको क्या हमारी गरीबी का पता, हमारी मुश्किलों का क्या पता इनको, हमारी कितनी मुश्किलें हैं यार। भाई घर पे कभी कोई बीमार हो जाता है और कभी कोई,
ऊपर से साला इतना पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर ये वेटर की नौकरी कर रहे हैं, साली घिन आती है मुझे तो। और भाई कर भी कह सकते हैं, चल काम पे लग जा। रोहित, रोहित बॉस बुला रहे हैं यार। हेलो सर। हाँ कैसे हो रोहित? बढ़िया सर, आप बताओ। घर में सब ठीक है? बढ़िया सर। खुश रहा करो, ये लो तुम्हारी सैलरी। थैंक यू सर। हेलो सर, रोहित बात कर रहा हूँ सर। हाँ रोहित। सर शायद आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं नहीं रोहित, मुझे आज ही पता चला मेरे रेस्टोरेंट में इतने पढ़े लिखे लड़के काम करते हैं। नहीं सर, यही तुम्हारी सैलरी है आज से। नहीं सर, एंजॉय करो, ये तुम्हारा हक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।